कर्मचारियों ने तानाशाही रवैया बनाते हुए श्री राम राजा मंदिर के पीछे दुकानदारों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा नेताओं के विरोध के बाद प्रशासन को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। रविवार को जिला के आदेश पर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस बल एवं नगर पंचायत के अमले के साथ श्री राम राजा मंदिर के पीछे लगी दुकानों से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि प्रशासन ने बिना सूचना या नोटिस भेजे यह कार्रवाई कर दी। खबर मिलते ही भाजपा नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद तिवारी वहाँ पहुँचे और जब कार्रवाई करने आए अधिकारियों से जवाब मांगा तो वह यहाँ से चलते बने। भाजपा नेता का आरोप था कि प्रशासन नियम विरुद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जबकि मंदिर के ठीक पीछे ना तो नालियों पर कब्जा किया गया ना सड़क पर कोई कब्जा है, फिर भी प्रशासन द्वारा दोषपूर्ण तरीके से कार्रवाई के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों ने आपको नोटिस दिया? हम 1 मिनट में हम गलत, आज तक मैंने एक फुट का अतिक्रमण नहीं किया है। कोई कह दे राजस्व में कहीं कोई नगर पालिका में एक फुट समय तभी आया और अभी कहाँ का अतिक्रमण मिल गया? ये सब ठीक किया गया आपने बिना नोटिस के? नहीं, कल से जो आपको अरे साहब से बड़ा कोई नहीं होता है, नहीं हो रहा है। जब तक जनता सोती है तब तक सब कुछ कर लो। वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही में बड़े दुकानदारों का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि प्रतिदिन कमाकर अपना जीवन यापन करने वाले कई गरीबों का प्रशासनिक अमले ने नुकसान कर दिया है। ओरछा से हरीश दुबे की रिपोर्ट।